हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट अर्थवर्क क्वांटिटी। जब भी हम कोई रोड बनाते हैं उसमें हम अर्थवर्क क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो हम जहाँ पे रोड बनाने लगते हैं वो ग्राउंड क्या होता है हमारा, काफ़ी अनड्यूलेटेड होता है। अब उस अनड्यूलेशंस को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे अर्थ कटिंग करनी पड़ती है या अर्थ फिलिंग करनी पड़ती है। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे आपकी अर्थवर्क क्वांटिटी इन केस ऑफ रोड्स। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क क्वांटिटी। तो इसमें पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें गिवन डाटा क्या क्या है। हमें फॉर्मेशन विड्थ दी गई है 10 मीटर, जो हमारी रोडवे विड्थ है वो हमें ऑलरेडी दी गई है, फॉर्मेशन विड्थ 10 मीटर। अब साइड स्लोप इन कटिंग वो भी हमारे गिवन है 1:1, साइड स्लोप इन फिलिंग 1.5:1। अब ये क्या है, साइड स्लोप इन कटिंग एंड साइड स्लोप इन फिलिंग, वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो हमारा अर्थवर्क है ये दो पोर्शन में होता है, या तो कटिंग में होता है या तो फिलिंग में। जहां पे कटिंग होती है वो इस तरह से होता है, मतलब हमारा ग्राउंड लेवल कुछ होता है और फॉर्मेशन लेवल जो हमें अचीव करना होता है वो ऐसे होता है, फिर वो कटिंग की शेप में ऐसे हो जाता है। और जो हमें कटिंग करनी होती है उसका हमें स्लोप ऑलरेडी गिवन है, वो है 1:1। ये होता है हॉरिजेंटल, फर्स्ट इज हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल वर्टिकल। स्लाइड स्लोप जो दोनों साइड दी है कटिंग में वो 1:1 दी गई है। और वैसे ही साइड स्लोप इन फिलिंग, जहां पे हमारी फिलिंग हो रही है, ग्राउंड लेवल नीचे है और हमें फॉर्मेशन लेवल ऊपर चाहिए, तो वहां पे हम फिलिंग करते हैं, वो इन केस ऑफ एम्बैकमेंट, जो एम्बैकमेंट बन जाता है उस केस में क्या हमारा 1.5:1, जो हमारी साइड स्लोप है 1.5:1, ये हमारा हॉरिजेंटल है और ये है वर्टिकल। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब हमें जो फॉलिंग ग्रेडियंट है वो मेंशन है, वो फॉलिंग ग्रेडियंट कितना है, 1:200 फ्रॉम चेन एज 0 to 150। ठीक है, फॉलिंग ग्रेडियंट इज इक्वल टू 1:120 फ्रॉम चेन एज 150 to 300। मतलब इन्होंने जो बताया है कि फॉलिंग ग्रेडियंट में है ये रोड, ठीक है, और वो ग्रेडियंट भी मेंशन किया है 1:200 फ्रॉम चेन एज 0 to 150, फ्रॉम 0 to 150 ये है फॉलिंग ग्रेडियंट 1:200, और फॉलिंग ग्रेडियंट 1:120 है फ्रॉम 150 to 300, ये भी हमें। और हमें आर एल ऑफ द फॉर्मेशन एट चेन एज 0 = 100 2.50, ये जो हमारा फॉर्मेशन लेवल है फर्स्ट 0 चेन एज पे ये भी दिया गया है। तो हम सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें फॉलिंग ग्रेडियंट दिया गया है 1:200 फ्रॉम चेन एज 0 to 150। पहले हम फॉलिंग ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, मतलब हमें 1:200 पे फॉलिंग ग्रेडियंट दिया है 1:200, और हमारा चेन एज के लेंथ कितनी है 0 to 30, 30 to 60, मतलब ये 30 मीटर इंटरवल पे चेन एज ली है, तो हम into 30 कर लेंगे। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 0.15। ठीक है, और हम फॉलिंग ग्रेडियंट एक और 1:120, अगेन 1:120 into 30, इसका कितना आ गया, ये आ गया 0.25। दैट मीन्स कि इसका हमारा फॉलिंग ग्रेडियंट है 0.15 फॉर 30 मीटर एंड इसका है 0.25 फॉर 30 मीटर। मतलब हमारा जो एक चेन एज है 0 to 30 अगर हम लेंगे तो कितना फॉलिंग ग्रेडियंट होगा हमारा 0.15। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो फॉर्मेशन लेवल दिया गया है वो हम, हमें जीरो पे तो मेंशन है ऑलरेडी, वो हमें गिवन है 1:02.50। अब उन्होंने क्या बोला है कि फॉलिंग ग्रेडियंट 1:200 फ्रॉम चेन एज 0 to 150। अब मैंने ऑलरेडी निकाल लिया कि 30 मीटर के लिए हमारे फॉलिंग ग्रेडियंट कितना आना है, वो 0.15 है, मतलब इसमें से हमें 0.15 फॉल करना है, कम करना है, वो कितना आ जाएगा 1:02.35।
ठीक है, सेम 150 तक ऐसे ही करते जाएंगे, 0.15 हम कम करते जाएंगे, वो आगे आ गया 102.20, और 0.15 कम कर लेंगे वो आ गया 102.05, इसमें भी और कम कर लेंगे 101.90, ठीक है, और क्योंकि 150 तक हमें ऐसे ही चलना है 101.75। अब क्या कहता है कि जो फॉलिंग ग्रेडियंट है 1 in 120 है फ्रॉम चेन इज 150 to 300। अब यहां से हम अलग कर लेंगे, 1 in 120 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, वो कितना फॉलिंग ग्रेडियंट हो जाएगा 0.25 फॉर 30 मीटर। अब इसमें से हम 0.25 डिडक्ट करेंगे, वो आ गया 101.50। अब इसमें से फिर से हम 0.25 डिडक्ट करेंगे, वो आ गया हमारा 101.25। अगेन 0.25 हम डिडक्ट करेंगे, वो आ गया 101.00। अगेन 100.75, 100.50। ये हमारा फॉर्मेशन लेवल भी आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ग्राउंड लेवल भी आ चुका है और फॉर्मेशन लेवल भी आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, हम एल सेक्शन प्लॉट कर लेते हैं। एल सेक्शन हम प्लॉट कर लेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारा क्या शो कर रही है, चेनेज, और हमारी वर्टिकल लाइन क्या शो कर रही है, रिड्यूस लेवल। ये हमने जो ब्लैक में है ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल वाली लाइन हमने मार्क कर दी एल सेक्शन उसका, और ये जो रेड में है ये फॉर्मेशन लेवल का एल सेक्शन प्लॉट कर दिया। तो यहां से हमें पता चल जाएगा हमारा जो हमारा अगर हमारा ग्राउंड लेवल ऊपर होता है विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन लेवल तो वहां पे क्या कटिंग होती है, अगर ग्राउंड लेवल नीचे हो विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन लेवल तो उसमें क्या होता है, उसमें हमें फिलिंग करनी होती है। तो अब हम यही कैलकुलेट करेंगे कटिंग और फिलिंग यहां से। अगर हमारा ग्राउंड लेवल छोटा है एज कंपेयर टू फॉर्मेशन लेवल, वहां पे क्या होती है, फिलिंग होती है। अब ये हमें माइनस करना है इन दोनों में, तो हमारा ये क्या है, इस केस में क्या है, हमारा फॉर्मेशन लेवल बड़ा है एज कंपेयर टू ग्राउंड लेवल, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करके हमारा 0.80 आ जाएगा, बट वो आ गया हमारा फिलिंग में, ठीक है। अब हमारा 102, अब ये ग्राउंड लेवल ज्यादा है एज कंपेयर टू फॉर्मेशन लेवल, तो हमारा ये आ जाएगा कटिंग में 3.15। ये आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, देखिए ये फॉर्मेशन लेवल आया है 30 पे हमारा यहां पे, और जो हमारा ग्राउंड लेवल है वो यहां पे है, तो ऑब्वियसली ये पोर्शन हमारा क्या आएगा, कटिंग में। तो इस तरह से यहां पे कुछ पोर्शन कटिंग में आएगा और हल्का सा यहां पे फिलिंग में आएगा। तो ये आपको समझ आ गया, जब हमारा फॉर्मेशन लेवल ऊपर होगा तो हमारा क्या होता है, फिलिंग होती है उस केस पे। अब यहां पे भी फॉर्मेशन लेवल ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्राउंड लेवल, यहां पे भी क्या होगा, फिलिंग होगी, ये माइनस करके क्या वैल्यू आ गई, 0.25। अगेन इन दोनों को हम माइनस करेंगे, 0.25 आ गया, बट वो कहां पे, फिलिंग में लिखेंगे। अब ये हाँ 101.90 है, ये भी 101.90 है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, दोनों ही वैल्यू जीरो आ जाएंगी हमारी, तो हम ऐसे कर लेंगे। अब यहां पे क्या आ गया, ग्राउंड लेवल की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू फॉर्मेशन लेवल, तो हमारा यहां पे क्या आ गया, कटिंग आ जाएगी, कटिंग क्या आ जाएगी, 0.10, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे, इसके बाद हम देख रहे हैं जैसे कि ग्राफ में भी हमें पता चल रहा है हमारी ग्राउंड लेवल जो है वो ऊपर ही है, तो इसके बाद हमारी कटिंग ही कटिंग आनी है, फॉर्मेशन लेवल नीचे है तो इसके बाद हमारी कटिंग ही कटिंग आनी है। सो हमें जो भी डिडक्ट करके वैल्यू आएगी वो हमें कटिंग में ही लिखनी है, तो ये इन दोनों को डिडक्ट करके आएगा 0.40, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारा आ गया 0.30, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारा आ गया 0.20, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारा आ गया 0.25, और ये भी हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ गया हमारा 0.10। तो हमारा ये टेबल बन चुका है। अब जो हमने एल सेक्शन प्लॉट किया था इसमें हम देख रहे हैं फ्रॉम चेन इज 0 to 30, इसमें क्या है हमारा, कुछ पोर्शन हमारा फिलिंग में है और कुछ पोर्शन हमारा कटिंग में भी है, तो इसमें क्या कर लेंगे हम,
इंटरमीडिएट चेंजेस भी ले लेंगे सो दैट हमें पता चल सके हमारा कितना पोर्शन हमारी क्वांटिटी फिलिंग की है और कितनी क्वांटिटी हमारी कटिंग की है. इन द सेम वे हम देख रहे हैं 30 टू 60 के बीच में भी हमारा जो ग्राउंड लेवल और फॉर्मेशन लेवल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी हम देख लेंगे इंटरमीडिएट चेंजेस लेके कितना हमारी क्वांटिटी कटिंग में है और कितनी हमारी फिलिंग में है. और यहाँ पे हमारी फिलिंग है, यहाँ पे पूरी फिलिंग है, यहाँ पे कटिंग है, कटिंग है, कटिंग है, इनमें हमें इंटरमीडिएट चेंजेस लेने की ज़रूरत नहीं है. हमें इंटरमीडिएट चेंजेस वहाँ पे लेनी है जहाँ पे हमें क्या होता है कि जो हमें चेंजेस दी गई है उसके बीच में हमें कटिंग भी आ रही है और फिलिंग भी आ रही है, उस केस में हमें इंटरमीडिएट चेंजेस लेना पड़ता है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम टेबल बना लेते हैं जिसमें हमारा चेंजेस डेप्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, टोटल एरिया, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स का एरिया आएगा वो टोटल कर लेंगे, फिर दो का मीन कर लेंगे, देन लेंथ, देन क्वांटिटी. क्वांटिटी में हमारे फिलिंग और कटिंग है, ये हमारी चेंजेस गिवन है. अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे करते हैं. हम मैंने आपको पहले ही बताया जो हमारा चेंजेस था जीरो, जीरो पे हमारी डेप्थ कितनी आई थी 0.80, ये फिलिंग में है तो हम लिख लेंगे 0.80 हमारी डेप्थ आई है. अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताऊंगा. ये मैंने आपको एक डायग्राम बना रखी है, जब हम फिलिंग करते हैं कुछ ऐसा हमें अर्थवर्क करना होता है. ठीक है, अब इसमें हम अर्थवर्क कैसे, अर्थवर्क का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम देखते हैं जी ये हमारा फॉर्मेशन लेवल है ऊपर जिसकी ऑलरेडी हमें विड्थ गिवन है वो है 10 मीटर. ठीक है, 10 मीटर, ये 10 मीटर है हमारा, सपोज हमारा ये बी आ गया. अब इसका हमें अब एरिया निकालना है, वो कैसे आ गया, दिस बी बाय डी, ये डी हो गया. ठीक है, अब हमें जब ये फिलिंग के केस है, अब फिलिंग के केस में हमें साइड स्लोप भी गिवन है 1.5:1, ये हमारा साइड स्लोप आ गया 1.5:1, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा वर्टिकल है. ठीक है, अब ये रेक्टेंगल का हमारा एरिया तो निकल जाएगा बी इंटू डी करके, वेयर डी इज द डेप्थ, जो हमारी हाइट आ रही है कटिंग या फिलिंग की. ठीक है, वही हम ले लेंगे डेप्थ. अब हमारा ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, वो कर लेंगे हमारा, ये हमारा क्या आ जाता है, जो बेस आता है क्या होता है, स्लोप, स्लोप एस डी इंटू डी, ये जो हमारा बेस है वो एस डी हो गया. ठीक है, वे डी इज द डेप्थ एंड एस इज द स्लोप, स्लोप क्या हो गया 1.5. ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस क्या है एस डी इंटू ये क्या है, ये डी है, तो ये आ गया हाफ ऑफ एस डी स्क्वेयर. ठीक है, अब हमारे पास टू ट्राइंगल हैं तो हम टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा दोनों ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया एस डी स्क्वेयर, प्लस ये भी रेक्टेंगल का भी हम ऐड कर लेते हैं, प्लस बी इंटू डी. तो हमारा अगर हमें इसका एरिया पूरा निकालना है वो कैसे निकलेगा, हमें बी डी प्लस एस डी स्क्वेयर. ठीक है, वो इससे हमारा पूरा एरिया कैलकुलेट होके आ जाएगा जब हम करेंगे फिलिंग. यहाँ पे एस की अगर जब वैल्यू लगानी है इन केस ऑफ फिलिंग वो हमारे 1.5 लगाएंगे, इन केस ऑफ हमारा कटिंग में क्या था, कटिंग में हमारी जो साइड स्लोप है वो 1:1 गिवन है, तो उस केस में हम एस की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे 1, तो इन केस ऑफ फिलिंग में हम क्या करेंगे एस की वैल्यू पुट करेंगे 1.5, और डी तो जो हमारी डेप्थ होगी कहीं वो 0.80 होगी, कहीं 0 होगी, कहीं 3.15 होगी, जो हमने कैलकुलेट कर रखी होगी. ठीक है, ये हो गया हमारा, तो ये मैंने आपको बता दिया कि एरिया कैसे कैलकुलेट करना. अब हमारा जीरो चेंजेस पे हमारी डेप्थ कितनी है वो हमारी यही आ गई, जो हमारा फिलिंग हो ना वो आ गया 0.80. अब इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालना है, अब मैं आपको एक निकाल के बता देता हूँ.
फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारा ये टेन था और ये आ गया हमारा, इसका हमें पूरा निकालना और इसकी डेप्थ कितनी है 0.80, ठीक है, और साइड स्लोप हमें 1.5:1 है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है इसका पूरा एरिया। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा हम पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे, वो 10 × 0.80, वो जो आएगा हमारा 8 आ गया, वो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, वो मैंने ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके बताया था, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स एक का हमारा निकलता है 1/2 SD², अगर टू ट्राइंगल निकाल निकालना है इंटू टू कर लेंगे, 2/2 कैंसिल हो गया, हमारा एरिया ऑफ टू ट्राइंगल क्या आ गया SD², वेयर एस इज द स्लोप, जो भी 1.5:1 होगी या 1:1 होगी, स्लोप वही ले लेंगे जो हॉरिजेंटल हमें गिवन होगा, ठीक है। डी इज द डेप्थ, अब हमारा वो भी निकाल लिया हमने SD², वेयर अगर एस हमारे पास 1.5 है इन केस ऑफ फिलिंग, इंटू डी, डी इज 0.8² तो हमारा 0.8² कितना आ गया, वो हम वैल्यू कर लेंगे इंटू करके, ये हमारे पास आ गया 0.96, तो हमने ये लिख लिया। अब टोटल एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स करके हमें टोटल एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल टोटल एरिया तक कैलकुलेट कर लेंगे पहले, फिर मीन एरिया लेंथ और क्वांटिटी बाद में कैलकुलेट करते हैं। अब हम देख रहे हैं, हमने इंटरमीडिएट चेन एज भी लिया था 6 तक, अब 6 पे हम देख रहे हैं कि हमारा ना कटिंग है ना फिलिंग है, तो इस पे क्या आ जाएगा, हमारा डेप्थ 0 आ जाएगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमारा उस पे ना कटिंग होगी ना फिलिंग होगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 0 आ जाएगा, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल 0 आ जाएगा और टोटल एरिया भी 0 आ गया। अब चेन एज 30 पे क्या होगा, अब चेन एज 30 पे हमारी कितनी डेप्थ बनती है कटिंग की, 3.15, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे ये कटिंग का एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर कटिंग। कटिंग में क्या होता है हमारा, कटिंग में हमारा कुछ ऐसे बनता है, इस कटिंग की स्लोप हमें दी गई है 1:1, तो इसमें भी हम कैलकुलेट करेंगे। अब इस केस में हमारी डेप्थ कितनी है, 3.15, ठीक है, और ये हमें फॉर्मेशन विड्थ तो 10 ही है, ठीक है, तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा 10 × 3.15, वो आ गया 31.5, वो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब हमारा एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स SD², इसमें स्लोप क्या है 1, तो एस हो गया हमारा 1, तो डी क्या है हमारा 3.15² और ये आ गया हमारे पास 9.92, तो यही हमारा आ गया 9.92, ठीक है। तो इसी तरह हमने इंटरमीडिएट RT57 भी ली थी, वहां पे हमारा ना कटिंग थी ना फिलिंग है इस पॉइंट पे, तो वो हमारा 0 0 0 करके टोटल एरिया भी 0 आ गया। फिर हमारा 60 पे क्या था, 60 पे हमारा, हमें पता है हमारा फिलिंग है 0.25, तो 0.25 मतलब इस केस में हमारा 0.25 डेप्थ हो गया, तो उसमें 10 × 0.25 एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, वो आ गया 2.50 और ये आ गया SD², SD² 1.5 × d, डेप्थ है 2.5² तो उस केस में SD² का वैल्यू कितनी आ गई 0.093 और टोटल एरिया आ गया 2.59। उसी तरह से हम सारी चेंज पे ये हमें डेप्थ गिवन होगी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेप्थ इनटू ब्रेथ, फॉर्मेशन विड्थ पे ही लेना है, और एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स SD², स्लोप इन केस ऑफ कटिंग हम स्लोप लेंगे 1, इन केस ऑफ फिलिंग हम स्लोप लेंगे एस लेंगे 1.5, तो वही वैल्यू पुट करके हमारे पास एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स भी आ जाएगा, उसी हिसाब से हम टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। अब मेन एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, इन दोनों का हम एवरेज लेके हम जो भी एरिया आएगा वो यहां पे लिख देना है। अब 8.96, अब 8.96 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 4.48, वो हम यहां पे लिख देंगे। अब इन दोनों का जो मीन होगा 0 प्लस 4.48
41 प्लस 41.42 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का जो मीन आ गया 20.71 वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से हम जो एवरेज एरिया होगा वो लिखते जाएंगे। ये कॉलम भी हमारा फिल हो गया। हमारा जो क्वांटिटी होता है, अभी मैंने आपको बताया जो हमारे अर्थवर्क की क्वांटिटी होती है दैट इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। अब क्रॉस सेक्शन एरिया तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो अब हमें लेंथ से मल्टीप्लाई करना है सो दैट हमें क्वांटिटी मिल सके। अब हमारी 0 to 6 चेनेज थी तो हमारी लेंथ आ गई 6, ठीक है। अब 6 to 30 थी तो हमारा 6 to 30 कितनी लेंथ बन जाती है 24 मीटर, और 30 to 57 चेनेज थी उसमें बन जाती है लेंथ 27, और यहाँ पे बन जाती है 57 टू 60 के बीच में 3, तो आगे हमारे 30-30 मीटर की लेंथ आ जाती है, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमारी कहाँ पे कटिंग हुई है, कहाँ पे फिलिंग हुई है। अब हमारा एल सेक्शन से हमें पता चल जाएगा फ्रॉम 0 to 6 मीटर लेंथ जो चेंजनेस है वहाँ पे हमारी ये क्या है, ये हमारी फिलिंग हुई है। तो हमारा जो भी हमारी क्वांटिटी कैलकुलेट होगी मीन एरिया इनटू लेंथ वो हमारी क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी। अब हमारी यहाँ पे फिलिंग हो रही है तो हम फिलिंग में लिख देंगे। अब 6 to 30 के बीच में हमारी क्या है, 6 से 30 के बीच में हमारी ये क्या है, ये फिलिंग, ये कटिंग है, सॉरी ये फिलिंग हो रही थी यहाँ पे, यहाँ पे कटिंग है, ठीक है। और कटिंग की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, वो आ जाएगा मीन एरिया इनटू लेंथ हम कर लेंगे और हमारा कटिंग की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। हम देखेंगे 30 और 57 के बीच में हमारा क्या है, 30 से 57 के बीच में हमारा इस चेन एज में हमारी कटिंग हो रही है, और जो हमारा मीन एरिया इनटू लेंथ को करके हमारी जो क्वांटिटी आएंगी वो हम कटिंग में लिख देंगे। उसी तरह हमारा ये जो छोटा सा पोर्शन है इसकी, इस यहाँ पे क्या हो रही है, फिलिंग हो रही है। 57 टू 60 के बीच में हमारी फिलिंग हो रही है, जो हमारा इन दोनों मीन एरिया इनटू लेंथ को मल्टीप्लाई करके हमारा जो क्वांटिटी आएगी वो हम फिलिंग में लिख देंगे। उसी तरह हमें ये पता है ये क्वांटिटी फिलिंग में है, ये फिलिंग में है, जो मीन एरिया यहाँ पे लेंथ के साथ इनटू करेंगे हम दोनों वो क्वांटिटी हमारी फिलिंग में आ गई। इसके बाद हम देख रहे हैं सारी जो क्वांटिटी आएगी वो हमारी कटिंग में आएगी। तो इसके बाद हम जो भी करेंगे मीन एरिया इनटू हमारा जो लेंथ को इनटू करके हमारी जो भी क्वांटिटी आएगी वो हमें कहाँ लिखनी है, वो फिलिंग में लिख देंगे। तो एट द एंड हम क्या करते हैं, फिर जो हमारी फिलिंग की क्वांटिटी होती है उसको कैलकुलेट कर लेंगे और जो कटिंग की क्वांटिटी है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। इस तरह से हमें पता चलता है कि हमें कितना, कोई अगर रोड बनानी है उसमें कितनी हमारी अर्थवर्क की फिलिंग होगी और कितनी क्वांटिटी हमारी अर्थवर्क की कटिंग में आएगी। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं अर्थवर्क की क्वांटिटी, ठीक है। तो उस केस में हमें पूरा एल सेक्शन पूरा प्लान करना होता है पहले, तो उससे हम पूरे अपनी क्रॉस सेक्शंस के एरिया कैलकुलेट करते हैं, देन क्रॉस सेक्शन एरियाज को लेंथ से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्वांटिटीज आ जाती हैं। तो वो हम क्वांटिटीज देखते हैं हमारी फिलिंग में है या कटिंग में है, अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे उसी टेबल में प्लेस कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल क्वांटिटीज आ जाती हैं कटिंग और फिलिंग की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय।